भाई जब आप देख सकते हैं हम खेत में आ चुके हैं भाई, और जो भाई मेरे साथ आया ना इसके खेत है सारे के सारे, और मतलब कि ये कोठा है ना आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना आधुनिक बना रखा यार इन्होंने, मतलब मैं देख के चौकन्ना रह गया, मतलब कि तेरा तो घर में भी नहीं होता भाई। देखो यहाँ पर मतलब कि सब कुछ है, मतलब कि सिक्योरिटी पर्पज की खातर बता दो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर सायरन भी है भाई, झटका करंट मशीन भी है, मतलब कि मजे आ गए यार देख कर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सायरन है भाई, ऑन करेगा देखिए, वो देखो सायरन बजने लग गया है, मजा आ गया भाई, बंद करे भाई इसने। करंट की मशीन है मतलब कि जहाँ पर रोज वगैरह आते हैं ना बाहर की तरफ, तो उनसे बचने के लिए है भाई ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कोठा कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पर पंखा चला दिया भाई फराटा, और देखो यहाँ पर देखो कितने सिस्टमैटिक ढंग से रख रखे हैं भाई, काले काले हो गए सब। सब्जी काम आ गए, सब्जी चिप्स काम होता है ना, कर ले। अच्छा बहुत मजा आ गया भाई, पूरे गांव में फिर लिए और इनके खेत में फिर लिए, मतलब कि पूरा सारा गांव कवर कर लिया ऐसा लग रहा है। अच्छा ये टी वाला भाई देखो, इसके अंदर से चलाने का ऑपरेटर रखा है। हाँ ऑपरेटर रखा, मतलब स्टार्टर कहते हैं जिसे। ये भी खुद बनाया, ये भी खुद बनाया और कोठा भी खुद बनाया। अच्छा रहा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं भाई, आपको एक अनोखी चीज दिखाता हूँ मैं। इस वक्त मैं सैलून में खड़ा हूँ और इस वक्त मैं बड़ा में खड़ा हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं जो ये देख रहे हैं ना, ये डोर देख रहे हैं, ये सीमा बना रखी है भाई, ये बड़ा है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और अगर मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना तो ये है भाई सालवन गांव। तो बहुत अनोखी चीज देखने को मिली है, मैं कभी बॉर्डर पे तो नहीं गया भाई भारत पाकिस्तान के, लेकिन मैं दो गाँव के बॉर्डर पर चला गया। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है बेल पत्थर का पेड़, आप देख सकते हैं भाई ऐसा खेत दिखता है इनका, मतलब खेत यार मतलब आपने बहुत अच्छा बना रखा है। इतना खट्टा नींबू है इधर तो। अच्छा नींबू भी कौन है खट्टे, चाइनीज नींबू देख सकते हैं गाइस यहाँ पर, बारिश में तो फाड़ बिगड़ेंगे संतरे की तरह। अच्छा हाँ इससे बड़ा साइज नहीं होगा इसके, ये देख। ओ भाई साहब इतने छोटे नींबू में फाड़ बिगड़ गई, दे फाड़ है देख, बढ़िया काम भाई। तो हम नहीं छिलके समेत भी खास कहने। अच्छा मैं खा रही हूँ इसने, बढ़िया लगा भाई फिर तो इसका मतलब, इसमें तो फाड़ निकलना लाई देखियो भाई कितना छोटा है, बहुत खट्टा भाई बहुत खट्टा है, देख सकते हैं अब यहाँ पर नींबू नींबू खड़े हैं भाई इनके, देखो ये बड़े नींबू है देखो कितने बड़े नींबू है, और वो आगे की तरफ चाइनीज नींबू है वो छोटा नींबू है, मतलब कि आपको मैं इतनी अच्छी तरह दिखा रहा हूँ भाई, लाइक कर दो वीडियो को बस। और ये दो साल पे लगाया है, दो साल का इतना बड़ा पेड़ हो गया। अच्छा। और इसमें मौसमी लगाए, ये मौसमी का पेड़ है, पिछले साल तो हमने पूरा जूस पिया इनका। अच्छा रहा ये देख ये छोटी छोटी है, चलो ये इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, और इन पर पापड़ कम होगा रस ज्यादा होगा। अच्छा इन पता बढ़िया फल मिला हमने तो मैं लगाए, उन पता बढ़िया मिलेगा तो और लगाऊंगे, पूरे किले में यही लगा देंगे। अच्छा यू थारा किला है, ठीक बढ़िया भाई फिर तो। और ये सारे आगे नींबू नींबू लगा, सारे के सारे नींबू खड़े हैं गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर, बड़े की सालों की सीम पे बड़े सालों की सीम पे लकड़ पड़िया, लकड़ साइड में रख दिया, आड़ू की लकड़ी है, आड़ू की है यार। अच्छा मैं तो पहली बार उठाई हाथ में, चलो किसी अच्छी चीज का तो हाथ लग गया। ये छोटा नींबू है जो दुकान पावे 5 रुपए का एक देवे नहीं, जो से अच्छा अच्छा जो से आप नॉर्मल लेवे हरीश पा भी लगे नहीं है, ये नींबू है छोटा जो से आप दुकान पर लेवे नहीं। और ये जो नींबू आप देख रहे हैं नी, इनका 100 ग्राम का एक नींबू हो जाए। अच्छा 100 ग्राम इसमें की आधी गिलास रस की भर जाए। अच्छा 100 ग्राम के में, हां ओ माय गॉड क्या अनोखी बात है, ये कागजी नींबू है कौन सा, निचोड़न वाले। अच्छा निचोड़न वाले, अपन ने सोच लेंगे नहीं गलगल नहीं। अच्छा ये गलगल नहीं है, कागजी है, और इनका एक ही नींबू 100 ग्राम का हो जाए। अच्छा अच्छा एक गलगल भी तो है, उसमें क्या फर्क हो नींबू यहां पे मौसम लगा दी, गलगल भी हो जो गलगल में नहीं फाड़ दिखड़ा, और वो भी दिखाऊंगा गलगल भी आपने। अच्छा अच्छा गलगल भी है, पर ये कुछ इतना मोटा दिख रहा है अभी तो कुछ नहीं, इसका बड़ा साइज दिखाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत ले। अच्छा इनमें करंट है किस टाइम, यहां इनमें कोई करंट रिया अच्छा कदर डरा दिया इनमें करंट है, आ जा झटका मशीन छोड़िए ना, छोड़िए ना बरा ना कुछ कदे मार दे, ये तमाम ने 350 रुपए का एक पड़ रहा है, 350 का एक, मतलब बड़ा खर्चा कर रहा है भाई। पेड़ लगाया इसमें, यहां पे खाल लगा देंगे पानी आ जाएगा, देख सकते हैं गाइस आप पेड़ लगाने में कितनी मेहनत की जा रही है, सारे मौसमी के हैं क्योंकि मानना मौसमी के जूस पीने में बहुत मजा आया, विटामिन सी लगे पूरा का पूरा भर का। देखिए यहाँ पर खाड़ लगा दिया इसका, ये पाइपलाइन दबी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही तो पानी चला था। हाँ सही है इसमें, और इन पर थोड़ा फल भी रुक रहा है मैं। अच्छा ये पिछले साल लगाए थे जिस टाइम बरसीन का टकरा उस टाइम लगाए थे, हाँ अरीब की साल की बरसीन कट कट ली। अच्छा और इन पर फल रुक रहा है, देखो काजेगा कि नहीं चलेगा, छोटा हूँ तो नहीं पेड़ बहुत है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ये है भाई मेहंदी का पेड़, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेहंदी का पेड़, तो मैंने सुना भी नहीं था भाई कि आसपास हमारे होते भी हैं। देख सकते हैं इसके पत्ते ऐसे सुरोड़ के, अच्छा और इसको कुंडी में कूट के और फिर उसके बाद इसको भिगो के और फिर लगाओ। अच्छा मतलब की वही मेहंदी बनती है दुकान से मिलती है। इसका पेड़ वहाँ पे था पहले, और ये मेरी दादी ने लगाया था वहाँ पे पहले। अच्छा और उसका बीज यहाँ पे गिरा दिया हमने, जिसका अपने आप हो गया फिर यहाँ पे हो गया। अच्छा गाइस अभी आप देख सकते हैं हम खड़े हैं भाई इस कोठे पर, और अभी मैं खड़ा हूँ पहली मंजिल पर ही खड़ा हूँ, और दूसरी मंजिल पर भी चलेंगे, वहाँ से आपको और ऊपर से दिखाएंगे। देख सकते हैं कैसा व्यू आ रहा है भाई गांव का, आप देख सकते हैं पीछे गांव उस तरफ है ना, हाँ उस तरफ है गांव। हम आए हैं भाई सड़क से जो पानीपत और सालवन को जोड़ती है ना, मेरी असंध पानीपत वाली सड़क है, हम उससे इधर की तरफ है,
और अभी यहाँ पर गोली पानी पत वाली, हाँ वो देख सकते हैं आप, वो बड़ा गांव है, वो रोड है भाई, और वहाँ पर वो बड़ा गांव है। और यहाँ हम, यहाँ मैंने आपको पेड़ दिखाए थे, देख सकते हैं आप वहाँ पर जो नींबू के दिखाए थे, गलगल के दिखाए थे, देखो कितना सुंदर तरीके से इन्होंने अपना खेत सजा रखा है, मैं यही मानता हूँ भाई। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कमरा है भाई यहाँ पर, और मतलब कि दो गेट है, एक गेट और वो गेट, आपको पता होगा कि हवा क्रॉस हो जाती है ना जहाँ पर, वहाँ गर्मी नहीं लगती। देखो ये आलू बुखारे का पेड़ देखा है कभी यार? मैंने तो पहली बार देखा आलू बुखारे का, कि हमारे आसपास भी आलू बुखारा होता है। देख के चढ़िए, चढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चुके हैं। जय माता दी, हमारी मनसा माता भी यहीं पर है, देख सकते हैं, क्योंकि हमारी यही कुल देवी है भाई। आपको मैं थोड़ा सा काला नजर आ रहा हूँ क्योंकि भाई सूरज आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा ऊपर है भाई, जब आप देख सकते हैं भाई ऊपर आ चुका हूँ। देखो उस तरफ देखो यार, कितना अच्छा व्यू लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा हूँ मैं, और मैं दूसरी मंजिल पर हूँ, आप देख सकते हैं सीएम भी आ गया यहाँ पर, देखो वहाँ पर बड़ा है और इधर सालवन है, ईख लगा यहाँ पर, और बॉर्डर पर अपनी कोठी है, बॉर्डर पर अपनी कोठी है, देख सकते हैं जिस पर हम खड़े हैं अभी। ऊपर से सीन बहुत अच्छा लगता है यार, किसी भी चीज़ का लो ना तो ऊपर से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर देखो ट्रांसफार्म से ऊपर आ गए हम, देख सकते हैं यहाँ पर एक पेड़ खड़ा है डेक का ना, यहाँ से आए थे अभी भाई, इन पैडियों से आए थे, ये एक यहाँ पर कोठा है और एक नीचे है अपना, सही है भाई, देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है गाइज। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भाई का गोता है, पोलिस है, ऑर्गेनिक फार्म, गांव सालन, जिला करनाल, हरियाणा, सन 17/4/2021 मना था। हाँ, और प्रभु दत्त शर्मा जी मेरे बड़े बाबा जी हैं,